गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। ये व्याकरण क्या है? हमने अपने पिछले कक्षा में भाषा और लिपि क्या है ये जाना था। आज हम जानेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों हम व्याकरण पढ़ते हैं, किसी भी भाषा को जानने के लिए क्यों व्याकरण का जानना अधिक आवश्यक है। चलिए, क्या है व्याकरण? व्याकरण हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आ करण, अर्थात भाषा को शुद्ध एवं स्थायी रूप प्रदान करना, अर्थात भाषा को शुद्ध व स्थायी रूप प्रदान करना। चलिए, जैसे कि हम जब वाक्य बोलते हैं, कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो वह वाक्य शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण का काम है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये व्याकरण का काम है। व्याकरण के द्वारा ही यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तभी हम जान पाएंगे कि हम जो वाक्य कह रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे सोच लीजिए, मोहिनी ने तीन समोसे खा ली। वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्यों लग रहा है जानते हैं? क्योंकि यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या होगा? मोहिनी ने 3 समोसे खा लिए। उसी तरह हम आम खा रहा हूं, ये वाक्य भी कुछ कान में खटक रहा है। क्यों खटक रहा है जानते हैं? क्योंकि यह वाक्य गलत है, अशुद्ध वाक्य है। सही वाक्य क्या है? मैं आम खा रहा हूं या हम आम खा रहे हैं, ये सही वाक्य होगा। तो व्याकरण किसे कहते हैं? बच्चों, जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है वो आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और व्याकरण के 4 अंग है। व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के 4 अंग है। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर आप व्याकरण किसे कहते हैं उसको लिखेंगे। अब हम व्याकरण के 4 अंगों के बारे में जानेंगे। व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार,
पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के चार अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार तथा वाक्य विचार। लिख लीजिए इसको। तो हमने यहां जाना व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग है, व्याकरण का प्रयोग क्यों होता है, किस तरह से होता है, किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा हम उस भाषा का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर सकेंगे।